दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो ये इकलौता ऐसा राज्य है हमारे देश भारत के अंदर जिसने हमारे देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। और अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं तो ये एक ऐसा राज्य भी है जिसने बहुत ही अच्छे कलाकार दिए हैं। हिस्ट्री में चले जाएं तो अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का नाम आता है। और इसी के साथ प्रदेश से एक ऐसे कलाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये वन ऑफ द बहुत रेयर आर्टिस्ट ऐसे हैं हमारे शो के जो मैं कहूंगी एक फुल पैकेज हैं। एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं और सबसे बड़ी बात एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो विक्रांत जी आपका हम स्वागत करते हैं हमारे शो के वाइस यानी नो योर सेलिब्रिटी। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत कुछ बोल दिया बट थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ जो मेरा पहला सवाल है आपके लिए वो यही है कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो आज आपसे एक सक्सेस मंत्र लेना चाहता है कि कैसे वो, क्योंकि ये जो स्टेट है जैसे कि मैंने एक ब्रीफ अभी बताया स्टेट के बारे में, तो वो आगे ऑब्वियसली हर इंसान को एक चीज कैरी फॉरवर्ड करनी है अपनी हिस्ट्री, अपनी स्टेट की, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो वो युवा आज का उत्तर प्रदेश का जिसको रास्ते नहीं पता, अगर वो बॉलीवुड में आना चाहता है या टीवी सीरियल में आना चाहता है या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो क्या करे, कैसे इस चीज के लिए आगे बढ़े, आज वो आपसे जानना चाहता है। देखिए बात अगर पहले तो मैं अपनी करूंगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पे आया और क्या क्या कुछ देखा, क्या कुछ किया। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात आती है तो मुंबई पे ही आके रुकती है। वो मुझे लगता है कि एक बार आपको मुंबई दर्शन जरूर करना चाहिए। और कहते हैं ना कि कुछ चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल होना पड़ता है लाइफ में आपको, तो अगर आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तब तक वो चीज शायद आपको उतना समझ में ना आए। आपको कुछ लोग बात कर सकते हैं घर पे बैठ के, लेकिन वो चीज जब आप प्रैक्टिकल में करने जाएंगे तो वो चीज डिफरेंट आपको लगेगी। तो मेरे हिसाब से जो कोई एक एक्टर बनना चाह रहे हो तो उनके लिए सबसे पहले मेरा मंत्रा यही है कि एक बार घर से बैग पैक करें और मुंबई के लिए आएं। यहाँ पता करें कि ऑडिशन कहाँ होते हैं और मतलब स्टूडियो कहाँ है, कहाँ कहाँ पे शूटिंग होती है, तो वो बहुत सारी चीजें आपको ना धीरे धीरे समझ में आएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको समय देना पड़ेगा। ये आप कुछ लोग होते हैं ना, मुझे लगता है कि एक बना लेते हैं कि मैं एक साल के अंदर ये करूंगा। देखिए आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक साल के अंदर ये करेंगे। हाँ, आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं दिन में 1-2 बार खाना खाऊंगा, 1 बार खाऊंगा। लेकिन आप जो आपका ये सब होता है इसमें कई लोग होते हैं ना, तो आपने अपनी बात रख दी कि मैं 1 साल दूंगा, लेकिन हो सकता है कि इंडस्ट्री ने डिसाइड किया हो कि मैं आपको 1 साल तक काम ही नहीं दूंगा मतलब नहीं देंगे आपको। तो ये मेरे हिसाब से जो भी है। और बहुत जरूरी है कि आप किसी को देख के मुझे लगता है कि कुछ बनने की ना सोचें, आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। और कुछ लोग थोड़े से गुमराह हो जाते हैं कि लाइक कुछ लोग ऐसे झूठी तारीफ कर देते हैं कि तुम ऐसे लगते हो, ऐसे दिखते हो, ये करो वो करो। बट मुझे लगता है कि आपको तो पता होता है कि आपके अंदर क्या है। सबसे पहले आप अपने आप से भी बात करो, पूछो कि आप में वो क्या है। और जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी नहीं होता है कि आप कुछ ही चीज करेंगे तो आप खुश रहेंगे। मैं कई ऐसे एक्टर को, कई ऐसे एक्ट्रेस को, कई ऐसे प्रोड्यूसर को, कई ऐसे राइटर को जानता हूं कि काम कर रहे हैं बट शायद वो उतने खुश नहीं है। ठीक वहीं पे मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं कि जो इस फील्ड से नहीं है, दूसरे फील्ड से बहुत खुश रहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को भी तलाशना है कि आप किस चीज से खुश रह सकते हो। और मैं बीइंग एक्टर, एज एन एक्टर, मैं जरूर ये बात बोलना चाहूंगा कि एक्टिंग जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, बहुत। और कुछ लोग बोलते हैं अरे हो जाएगा, अरे ऐसे कर लेंगे, बट ये अरे करने से नहीं होता है। वो है बहुत सारी चीजें, बारीकियां होती हैं कि मैंने बोला ना कि जब आप सेट पे जाओगे ना तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि कैमरा रोल हो रहा है, आपको इतनी सी लाइन बोलनी है, ज्यादा नहीं बोलना है, आपको इनके तरफ देखना है, फिर उसके बाद रुकना है, फिर बात करना है। ये छोटी छोटी इतनी बारीकियां होती है ना कि ये लोगों को नहीं पता होता। लोगों को लगता है कि अरे वो तो जैसे होता है क्रिकेट कि टीवी पे देखना, अरे यार इसको क्यों नहीं मारा छक्का, लेकिन जब आप खुद जाओगे खेलने ना तो आपको पता चलेगा कि वो छक्का मारने वाली बॉल थी कि बोल्ड होने वाली बॉल थी। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसी तरीके से जैसे मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ तो मैंने देखा है कि क्रिकेट भी बहुत डिफिकल्ट है, ग्राउंड पे जाके खेलना, टीवी में देखना फर्क है। उसी हिसाब से एक्टिंग है, आप टीवी में देख जो रहे हो या फिल्म में जो देख रहे हो उसके पीछे एक एक्टर की कितनी मेहनत होती है वो शायद आपको नहीं पता है, और वही जरूरी है आपको जानना। जी, तो अगर बात करी जाए जैसे एक्टिंग के बारे में ही हम लोग बात करते हैं, तो एक्टिंग भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके की है, मतलब अलग अलग किरदारों की होती है। तो क्या ये हमारे लिए जानना एक ऑडियंस के लिए जरूरी है जो एक सपना देखते हैं एक्टिंग में आने का, कि वो खुद से पहले डिसाइड करें कि उनको टीवी सीरियल में जाना है, वो टीवी सीरियल के लायक हैं या बॉलीवुड के अकॉर्डिंग वो फिट बैठते हैं, या वो एक विलेन के रोल में फिट बैठते हैं, या वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर के रोल में फिट बैठते हैं? क्या ये हमारा काम होता है डिसाइड करना, या ये एक कास्टिंग जो डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका काम है डिसाइड करना? एक चीज बड़ी अच्छी अभी हो गई है हमारे मतलब एक्टिंग फील्ड में, बताऊं आपको, आप अपने आप को ये मत बांधो कि आपको टीवी करना है कि बॉलीवुड की फिल्में करनी है कि टॉलीवुड की करनी है कि क्या करना है। अभी एक मतलब एक ऐसी चीज हो गई है ना, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना आगे निकल गया है सब कुछ, कि आपको कहीं ना कहीं लाखों लोग देख रहे होते हैं, उन लाखों में से कई प्रोड्यूसर, कई राइटर, कई डायरेक्टर भी देख रहे होते हैं। तो अगर आप टीवी में भी काम कर रहे हो और आपके अंदर पोटेंशियल है, आप में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो कट्टू आपको कॉल आ जाएगा कि भाई आपके साथ हमें एक फिल्म करनी है। तो आप एक फिल्म भी कर रहे हो, फिर टीवी भी कर रहे हो, फिर वेब सीरीज के लिए भी आ सकता है आपको कॉल। तो एक एक्टर जो है वो मुझे लगता है कि वो हर जगह दिखता है। जैसे आपने नवाजुद्दीन की बात किया, तो वो उनके अंदर एक यूनिक चीज है कि वो जैसे कि आप उनका ना शो देखिएगा, जब वो कपिल शर्मा के शो में आते हैं तो नवाज उस वक्त बहुत ही सीधे साधे होते हैं, लाइक वो बहुत ही बचते हैं, मतलब उतना ज्यादा मैं उनको देखा नहीं जैसे बाकी लोग, उतना बहुत शांत रहते हैं। लेकिन वही नवाज अगर आपको फिल्मों में दिखते हैं तो एकदम आग टाइप के दिखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी विचारधारा के होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन आप अपने आप को बांध नहीं सकते हो। और मुझे लगता है कि डिसाइड जो है आज के समय में ये भी नहीं करना चाहिए कि आपको विलन बनना है या हीरो बनना है। अभी की ऑडियंस जो है ना, अगर आप विलन हो और अच्छे परफॉर्म कर रहे हो अच्छा, तब आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अमरीश पुरी साहब मतलब लोग डरते थे, अरे यार भागो इससे, मतलब ऐसा होता था। लेकिन नहीं, अभी वहीं पे जो नवाज क्या कर रहे हैं, विलन ही बनते हैं ना ज्यादातर लोग। फैन फॉलोइंग देखिए आप नवाज की, पंकज त्रिपाठी साहब की, मतलब वो लोग किस लेवल से करते हैं ये। अभी तो आपके लिए ये है ना कि पहले थोड़ा सा लोगों में था कि अरे यार हीरो लोगों के ही फैन होते हैं और हीरोइंस के फैंस होते हैं, बट ऐसा नहीं रहा अभी तो आपको दादी अम्मा के भी मिल जाएंगे, फादर इन लॉ का कोई कैरेक्टर कर रहा है उसका भी मिल जाएगा। मतलब अभी लोग ना इतना ज्यादा, पता नहीं, मैं तो वही सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग उतना ज्यादा नहीं समझ पाते थे। आज के जो बच्चे हैं, आपको बताऊं, मैं अपनी वाइफ की बात कर लूं, मोनालिसा की, तो वो जो नजर वो शो कर रही थी उसमें निगेटिव किरदार वो उसने मतलब प्ले किया था। मैं तो हैरान रहता हूं कि अगर ये हमारे जमाने में होती और हम बच्चे होते तो हम भाग जाते, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं, मैम हमने आपका सीरियल देखा, हमें बहुत अच्छी लगी, आप एक फोटो चाहिए। मैं सोचता हूँ अरे ये आजकल के बच्चे डर ही नहीं रहे, इनको परफॉर्मेंस समझ में आ गई अभी, मतलब ये परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। तो अभी तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप विलन बनिए, हीरो बनिए, या जो कुछ भी करिए आप बहुत ईमानदारी के साथ करिए। अगर आप बहुत अच्छे गुड लुकिंग हैं तो डेफिनेटली आप हीरो के लिए एक बार ट्राई करिए। लेकिन आपको बता दूं, गुड लुकिंग विलन्स भी बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं, गुड लुकिंग जो विलन होते हैं ज्यादा सक्सेस होते हैं। तो ये मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा आप कि आप ये ही बनेंगे, नहीं, आप पहले आइए, पहले एक्टिंग करिए, और आप लोग जो हमारी जनता होती है, जो हमारी ऑडियंस होती है, उनका दिल जीतिए, उसके बाद आपको मजा आने लगेगा। मेरे हिसाब से जब आप ऑटोग्राफ देते हो या फिर आपके साथ लोग सेल्फी लेते हैं तो वो जो टाइम होता है बड़ा अच्छा फील कराते हैं। तो वो आप हीरो बन के, कई ऐसे हीरो होते होंगे जिनके साथ लोग सेल्फी भी नहीं लेते होंगे, कई ऐसे विलन होते हैं जिनके लिए पागल होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको पागलपन चाहिए। अगर मैं भी कल को कुछ विलन का करूं तो मैं चाहूंगा कि लोग मेरी एक्टिंग को मतलब पसंद करें। और रही बात लुक की, तो लुक तो खैर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत ठीक दिखता हूं, तो मेरे हिसाब से मैं एक्टिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। तो इसी के बारे में अगर हम मोना लिसा की बात करें, क्योंकि हम उनको हर एक किरदारों में देख चुके हैं और हाल ही में जो उनका नया शो उनका चल रहा है कलर्स चैनल पर, वो भी हम लोग देख रहे हैं और दर्शक बहुत प्यार दे रहे हैं। तो अगर उनके पिछले शो नजर की हम बात करें, क्योंकि वो उसमें एक बहुत ही अहम किरदार का रोल जो है वो निभा रही थी, वो एक डायन बनी थी और बहुत सारी चीजें थी कि उनके बाल, एक जो उनकी चोटी होती है वो लंबी हो जाती है और उनकी शक्तियां। तो क्या आपको, जब आपने वो देखा टीवी में शो, तो क्या आपको डर नहीं लगा जब मोना शूटिंग से घर आई होगी पहली बार और जब आपने वो सीन देखा होगा, क्या आपको थोड़ा सा डर लगा था उन्हें देखकर? एक्चुअली बताऊं तो मैंने कभी मोना को आई नेवर सीन, मतलब लाइक कि मोना ऐसी या इस टाइप के किरदार को करेंगी या कर सकती है इस तरीके से बखूबी। मतलब मुझे, क्योंकि मोना बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लाइक वो बहुत ही क्यूटली सारी बिहेव करती है, तो आप सोच नहीं पाते हो यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं जब मोना ने किया, तो सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तो ज्यादा इंप्रेस था कि यार। और हाँ, मैं हमेशा एक्टर का, मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे मेरी बीवी हो या किसी और की बीवी हो। लाइक मेरे को आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो मेरे लिए अच्छी बात है ये। तो मोना ने जो किया है बहुत बखूबी किया है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने भी जो मेरा विद्या शो था कलर्स पे ही था, तो उसमें मैं अगर देखा जाएगा तो मैं जो किरदार कर रहा था वो एक भाई का कर रहा था, लेकिन विधायक उसमें मतलब किरदार था ये। बट धीरे धीरे मैंने देखा है कि अगर आपको लोग पसंद करते हैं तो यू नेवर नो कि कब आगे जाके आपको हीरो बना देंगे वो। तो वही मेरे साथ भी हुआ था कि वो लोगों को मैं अच्छा लगने लगा था धीरे धीरे, फिर उन्होंने मुझे हीरो बना दिया था। फिर मेरे अपोजिट भी एक हीरोइन लाए मानसी, वो काफी मतलब नोन है टीवी में, मानसी श्रीवास्तव जी, और हम लोगों की केमिस्ट्री लोगों को बड़ी अच्छी लगने लगी थी। लेकिन वो परफॉर्मेंस ही थी कि जिसके दम पे उस चीज को मतलब राइटर ने भी आगे ले जाके सोचा। वैसे ही मोना का भी था कि मोना ने जो परफॉर्म किया, देखिए टीवी क्या होता है ना, टीवी लाइक टेस्ट मैच, ठीक है ना, और फिल्म आप T20 बोल लो या फिर वनडे मैच बोल लो, ये इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। टीवी का कभी भी मतलब कि जो वीकली उसका टीआरपी वाली बात आती है वो हमेशा चेंज कर सकते हैं। आज आप हीरो हो तो हो सकता है कि दूसरी बार में कोई और हीरो निकल जाए, ऐसा हो सकता है अगर आपने उस तरीके से होल्ड नहीं किया तो टीवी का भी ऐसा है। तो मोना ने कंटिन्यू बना के रखा हुआ था अपने परफॉर्मेंस को उसी तरीके से, और वो लाइक होल्ड पूरा किए हुए थे। वो कोरोना अगर नहीं आता तो जो नजर 2 है उसमें भी आपने देखा होगा कि सारी कास्टिंग चेंज हो गई थी सिवाय मोना के। मोना उसमें काम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उस टीम को भी ये बिलीव था कि नहीं, हमारा जो निगेटिव कैरेक्टर होगा वो मतलब मोना प्ले करेंगी। तो वो चीज, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस को आपने कहीं ना कहीं आपने एक तरीके से, अगर डायन के तरीके से बोलूं तो अपने बस में कर रखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, उनको देखिए day 1 से इस तरीके से कैरेक्टर मिला था, मुझे ऐसा नहीं मिला था। मुझे पहले एज ए ब्रदर, और एक होता ना कि बहुत ही कड़क टाइप का बंदा होता है लेकिन धीरे धीरे मेरे को जब देखा उन्होंने थोड़ा मोड़ा कि इसका ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, तो उन्होंने धीरे धीरे चेंज कर दिया मेरा। बट मोना day 1 से ऐसा कर रही थी, विलन टाइप का। और वो मुझे लगता है कि अगेन मतलब कि अगर ये कोरोना काल का मैटर नहीं होता, कोरोना वाली बात नहीं होती, तो अभी भी काफी अच्छा वो चल रहा होता और मेरा शो भी चल रहा होता। जी बिल्कुल। तो अगर हम लोग बात करें आपके बारे में, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से, एक गांव से निकलकर आप मुंबई में आए हैं, और मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शांति है वो मुंबई में बट ऑफिस नहीं है जितनी शांति की एक आदत होती है। तो आप कैसे उस उत्तर प्रदेश के गांव से निकलकर आपने ये सफर तय किया, मुंबई पहुंचे, टीवी इंडस्ट्री के अंदर आए, भोजपुरी मूवीज के अंदर आपने अपना जादू दिखाया, कैसे ये सब, मतलब विक्रांत कैसे बने, लोगों के चाहने वाले विक्रांत? देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप में एक ऐसी कुछ चाहत होती है आपके अंदर, एक ऐसी चाहत चलती है, पलती है कि कुछ लोग उसको मार देते हैं, कुछ लोग मरने नहीं देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बोला ना कि ये मुझे पहले से पता था कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे गांव तो छोड़ना पड़ेगा, मतलब गांव से मुझे जाना होगा, और वो मुंबई ही वो जगह है जहाँ पे आपको काम मिल सकता है, आप समझ सकते हो। इसमें मेरे फादर का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है। पापा मेरे पहले से ही इस इंडस्ट्री में रहे हैं और उनकी भी एक कहीं ना कहीं अगर बोलूं तो ब्लेसिंग भी रही है मेरे फादर की, कि वो चाहते थे कि मतलब जो मेरा लड़का है वो आगे चल के एक्टर बने या फिर मतलब इस फील्ड में आए। पापा ने कभी मुझे ऐसा नहीं कि आपको ये नौकरी करनी है या कोई ऐसी पढ़ाई करो कि कोई जॉब मिल जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं था मेरा। शुरू से मैंने देख लिया था कि मुझे फैमिली का सपोर्ट रहा कि ठीक है मुंबई जाना है, मतलब किसके लिए, हीरो बनने के लिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अरे हीरो बनेंगे, लाइक आपके इर्द गिर्द वाले जो होते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो खींचेंगे। अगर आप उनको देखेंगे तो आप गिर जाएंगे, आप उनको देखो मत, उनका काम है। आप आज सक्सेस होते हो फिर वही लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। तो ये भी मैंने देखा है कि जब मैं निकला था तो पीछे बहुत सारी बातें हुई थी कि गलत हो गया आपने, गलत भेज दिया, लड़का बिगड़ जाएगा और हाथ से निकल जाएगा। और हाईलाइट है ये है कि मैं इकलौता, तो एक और था कि एक ही बच्चा है वो भी निकल गया अभी हाथ से। तो वहां पे अगर बोलूं तो बोलते हैं लोग आवारा कर दी, लाइक कि क्या है, मतलब ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कुछ भी आप लोग समझते हो। मतलब मतलब मुझे लगता है कि कुछ ही लोग एक होंगे जो जिनको लगा होगा कि शायद हो जाएगा, मतलब 50% तक। बट उसमें फैमिली का सपोर्ट ज्यादा था। मेरी जो सिस्टर हैं 3, उन लोग भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप अगर जा रहे हो तो आप क्या करने वाले हो, मतलब ये आप में होना चाहिए कि मुझे, हाँ, ये नहीं कि मैं एक साल में ही सब कुछ कर लूंगा। आप आए हो तो बहुत ही, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार आप मुंबई आएंगे तो धीरे धीरे आप एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आपको बहुत कुछ स्टेप पता चलेगा। डे बाय डे आपके अंदर खुद ही इम्प्रूवमेंट चालू हो जाएगी। और तो सेम मेरा भी रहा है। मुझे लगता है कि 2-3 बार आया गया हूँ, लाइक मुंबई। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार में ही आके यहाँ पे जम गया था, ऐसा नहीं था। आया गया, वहां गांव में जाके फिर से एनर्जी ले लेता था। लाइक एनर्जी मीन्स कि जब आपकी बैक बिचिंग लोग करते हैं कि वही हो गया ना। एक मैंने कहीं पे शायद मैंने देखा था, राजपाल यादव का था, कि राजपाल यादव शायद वो भी बहुत स्ट्रगल किए हैं, तो वो अपने गांव में जाके वो मतलब शायद टीवी देख रहे थे, तो उनके फादर बैठे हुए थे, तो अचानक से डिस्कवरी चैनल कुछ चल रहा था, तो उसमें मतलब होता है ना कि कुत्ते बिल्ली सारे ये सब जो भी होती है, तो इनके फादर ने इनके पास आए और बोले कि अब तो टीवी पे कुत्ते बिल्ली भी आ गए, तुम कब आओगे? तो ये एक्चुअली में मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट जब निकलता है तो उसको तो इस ये डायलॉग का तो सामना ही करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग बड़े क्यूटली बात करते हैं, अरे भैया कब मतलब कुछ हो रहा है, मतलब कब तक मिलेगा देखने को आपको, मतलब अब सामने वाला बोले क्या, समझा भी नहीं सकता कि भाई वहां पे बड़ी लंबी लाइन है, मतलब कि कैसे आपको पता, क्योंकि गांव से तो अकेले मैं गया हूँ, लेकिन कई गांव से तो मुंबई में लोग आए होंगे, तो भीड़ इतनी है, मतलब रह के आप खाना खा रहे हो, किसी ने पार्टी भी दिया तब भी, और भाई साहब कुछ कर रहे हैं आप, मतलब ये डायलॉग सुन सुन के आप, बट इसको आपको पॉजिटिव लेना होता है कि आप इसको लो और फिर डिसाइड कर लो कि नहीं भाई मैं नेक्स्ट टाइम अगर जाता हूं तो अगर मैं कुछ कर लूंगा तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है उनको स्टॉप करने के लिए, अदरवाइज फिर से आपको डायलॉग सुनना है। तो मुझे लगता है कि आप उस दौरान उस टाइम ये डिसाइड करो कि अब की बार मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा ही, तभी मैं जाऊंगा गाँव। तो ये भी एक आपके अंदर होना चाहिए कि मतलब होता है ना सनकपन, जिसको बोलते हैं हम लोग कि सनकी हो जाना। तो मैं सनकी टाइप का इंसान हूँ थोड़ा सा। तो हालांकि हुआ वही कि मैं आया, और मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, जब मेरी पहली फिल्म थी भोजपुरी की, आपको बता रहा हूँ, मेरे टाउन में लगी वो अतरौलिया करके जगह है, वो विजय पैलेस करके सिनेमा हॉल था, मतलब उसने रिकॉर्ड तोड़ बनाया। और मैं अभी बोलूं वो इतनी अच्छी फिल्म नहीं थी मेरे नजरिए से, मैं बहुत ही खराब उसमें परफॉर्मेंस किया था मैंने, बहुत ही वाहियात तरीके का था मेरा जो कुछ भी था। मैं तो हैरान था कि डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, मतलब कि मैंने बोला अरे बाप रे बाप, ये तो हाथ हो गई कि मतलब कहाँ शाहरुख खान यशराज की फिल्म और कहाँ मैं, और ये भी वो मैं बता रहा हूँ मैं आज भी देखता हूँ तो हंसता हूँ। तो वहां मुझे समझ में आया नहीं, एक लोकल बॉय होने का मतलब क्या होता है कि जो लोग आपके बारे में पीछे बात करते हैं कहीं ना कहीं वो लोग आपको देख के खुश भी होते हैं कि अरे यार। और अब ऐसा हो गया है कि मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग टीवी नहीं देखते थे पहले हमारे यहाँ, लाइक होता ना कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स ज्यादा हावी रहती है, लोग अपने में लगे रहते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे पता चल गया कि अरे यार विक्रांत का सीरियल आ रहा है, अच्छा कितने बजे आता है, तो भाई इस चैनल पे आता है इतने बजे आता है, वो लोग देखते थे और मुझे बताते थे भाई साहब मजा आ रहा है देख के, मतलब उनका ये टोन होता है एकदम छा गए हैं आप, क्या बात है दमदारी है। अच्छा ये भी बोलते हैं बड़ी अच्छी बात है कि आपको हम डेली देखते हैं और फिल्म का क्या होता है कि कभी कभार आती है। तो वैसे ही मतलब कि मोना को भी देख के कि अरे भाभी जी का देख रहे हैं हम लोग, क्या बात है, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं हम मतलब कि अपने लोकल होने का एक और फायदा मैंने देखा है कि जो लोग टीवी नहीं देखते थे उतना, सिर्फ न्यूज से मतलब होता है, क्रिकेट स्पोर्ट्स से मतलब होता है, वो लोग मेरी वजह से कहीं ना कहीं टीवी भी देखने लगे उस जगह पे। तो अगर आप सक्सेस होते हो तो आपको उतना प्यार भी देते हैं। हाँ ये तो मैंने देखा है कि आप जब तक सक्सेस नहीं हो तो आपको भिगो भिगो के मारते हैं, मतलब मैं बताऊं तो जो छोटे लोग जो काम भी करने आते हैं वो लोग भी पूछ देते थे, मतलब लाइक होता ना कि कोई काम कर रही है तो भैया अभी आप आए नहीं हैं कब तक आएंगे तो उनको भी मतलब एक उन लोगों का है ऐसा, उन लोगों को लगता है गए हैं तो आए क्यों नहीं अभी तक टीवी पे या पर्दे पे। तो अब आप निकलो, आप मुंबई आओ तो आपको पता चलेगा, लाइक। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी क्वालिटी मेरा बहुत मैटर रहा है। मैं अगर चाहता तो मैं बहुत सारी फिल्में कर लिया होता, लेकिन मैंने नहीं किया, तो उसका मुझे बेनिफिट भी मिला है। और मतलब होता ना कि एक, लेकिन उस दौरान जब मैं छोड़ रहा था तो उस दौरान कहीं ना कहीं पीछे लोग बोलते हैं कि अपने आप को क्या समझ रहा है, ये है वो है जो भी है सारी चीजें। बट मुझे लगा था कि नहीं यार, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, ये सिर्फ गिनती के लिए नहीं होना चाहिए कोई चीज। और आजकल ग्रेड भी बहुत सारे हो गए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, मतलब ग्रेड तो इतने बन गए हैं कि पहले सी ग्रेड तक ही था, अभी तो जेड तक चला गया है ग्रेड। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा तय कर पाना कि किस ग्रेड में है आप, किस जोन में है आप, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस लाइन में। जी तो मैं कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ का जानना चाहूंगी कि जब आपको आपका कोई शो मिल गया था या जब आपकी मूवी मिल गई थी और आप कभी घर गए हो, या मुंबई में भी अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे पूछा हो कि अरे भाई साहब आप करते क्या हैं, कभी ऐसा हुआ है लाइफ में? एक्चुअली मैं देखिए मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ होगा बिकॉज गांव से लेके शहर तक, अब मुंबई सिटी ये ऐसी है कि यहाँ पे एक्टर जानते हैं, यहाँ पे लोगों को दिखता है ना कि भाई लाइफ स्टाइल इनकी बड़ी अच्छी होती है, बड़े पैसे मिलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर हैं, तो ये लोग समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे इस फील्ड में पैसा है, ठीक है ना। और बहुत लोगों के ना माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता है कि मुझे पैसा अगर कमाना है तो मैं फिल्म लाइन में आ जाऊं, बट ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं आप गंवा सकते हो बहुत कुछ यहाँ पे। मेरे तरफ क्या था, मेरे पापा पहले से थे थोड़ा सा इधर से, तो वो क्लियर था लोगों को, क्योंकि बचपन से ही बोलते थे कि मेरा लड़का हीरो बनेगा, उनका था कि, तो कभी भी ऐसा नहीं था कि पापा की भी लाइफ स्टाइल जो वहां पे थी सबसे डिफरेंट थे। और मतलब काफी हैंडसम, वहां पे सबसे ज्यादा हैंडसम मैंने देखा है, तो उनको देखा है, धर्मेंद्र जी को देखा है मैंने, विनोद खन्ना साहब को देखा है। तो उनके अंदर भी एक ऐसा था चार्म कि लोगों को लगता था कि नहीं भाई ये जो कर रहे हैं ये काम तो कुछ तो अलग होगा कि जो इतने अच्छे दिखते हैं और इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं। तो इतना मुझे मतलब इतना मैं समझ गया आपका क्या क्वेश्चन था, बट इतना नीचे वाला रिस्पॉन्स नहीं मिला कि भाई सब आप करते क्या है, ऐसा नहीं था। अभी लोगों के अंदर आ गया है कि क्योंकि देखिए ऊपर वाले की दया से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे चीजें अच्छी होती चली गई। गांव में भी जैसे घर बना और गाड़ी ओड़ी आने लगी तो लोगों को यही दिखता है ना कि अरे यार घर तो बहुत अच्छा बन गया है, बाउंड्री बड़ी अच्छी हो गई है, गाड़ी है, आने के बाद खर्चा होता है, लाइक लोग बैठते हैं तो पार्टी होती है। मतलब वो कोई डायरेक्ट नहीं पूछता है लेकिन उनको ये क्लियर हो गया होता है कि जो भी कर रहा है काम अच्छा काम कर रहा है मतलब पैसे बना रहा है ये होता है। अगर पहले की बात करी जाए एक्टिंग के अंदर तो पहले होता था कि अगर एक एक्टर सिर्फ गुड लुकिंग है तो चलो उसको हम हायर कर देते हैं, या एक एक्टर की सिर्फ आवाज अच्छी है तो हम उसको फिल्म में हीरो ले लेते हैं। तो पहले मतलब सिर्फ एक एस्पेक्ट भी अगर मैच होता था तो वो इंसान को एक्टर बना दिया जाता था। क्या आज भी इस चीज के साथ इंडस्ट्री चल रही है, इस माइंडसेट के साथ? नो नो नो, अभी तो आपको मतलब एक फुल पैकेज जिसको बोलते हैं, अगर आप में वो चीज है तभी आप, मैं बोलता हूँ विलन बनने के लिए भी ट्राई तभी कर पाएंगे आप। हीरो तो आप जाने दीजिए, हीरो विलन कुछ भी, आपको अभी हर चीज आना चाहिए। आप अभी जो आजकल की जो वेब सीरीज भी आ रही है आप देख रहे होंगे, आप हीरो पकड़ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कि इसमें हीरो कौन है। मुझे लगता है कि जैसे कुछ एक, अगर मैं वेब सीरीज का नाम लूँ जैसे कि मिर्जापुर, उसमें अगर देखा जाएगा तो हीरो तो किसी को नहीं बोल सकते आप। हाँ, लीड बोल सकते हैं कि ये मेन लीड है, ये सेकेंड है, थर्ड, बट वो सारी चीजें विलन वाली होती गई है। मतलब एक हीरो भी मर्डर कर रहा है, एक विलन भी मर्डर कर रहा है। मेरे हिसाब से जो करेक्टर है उसका, उन लोगों का, वो निगेटिव है, मतलब कि वो विलन हो गए सारे के सारे लोग। लेकिन वो परफॉर्मर हैं वो लोग, उनको अगर आप बोलेंगे कि भाई इसमें डांस भी है, थोड़ा सा डांस करना पड़ेगा, तो उनको डांस भी आना चाहिए। लाइक वहां पे डांस आना चाहिए, भाई इसमें थोड़ा सा आपको दमदारी वाली आवाज चलना मतलब चाहिए मेरे को, तो दमदारी वाली आवाज भी, आपकी अच्छी फिजिक होनी चाहिए, वो अच्छी फिजिक भी। मतलब अभी सारी चीजें मैटर करती हैं। अभी आप हीरो उठा के देखिए ना, जितने आपके हीरो आ रहे हैं आप मतलब उंगली पे आप देखेंगे तो सारे के सारे फुली पैकेज आ रहे हैं। आप किसी हीरो का ऐसा नहीं बोल सकते कि इस हीरो को डांस नहीं आता है। वो जमाना चला गया कि ठीक है सनी देओल हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं भले डांस ना आए ये अभी नहीं ऐसा है, अभी आपको आना ही आना। मैंने इसीलिए बोला ना कि आपको इसीलिए तैयारी करनी है, और आप जब तक मुंबई नहीं आते हो तब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाते हो। ये आपको डांस आना चाहिए, आपको एक्शन आना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। बहुत लोगों को लगता है कि एक्शन बहुत ईजी है, उनको मालूम ही नहीं कि एक्शन बहुत टफ होता है, डांस भी बहुत टफ होता है। कि मतलब जैसे आप मैं अगर किसी का नाम लूं तो जैसे टाइगर श्रॉफ, आप मतलब वो नेक्स्ट लेवल की बात हो जाती है। टाइगर श्रॉफ मतलब नेक्स्ट लेवल। आप मुझे लगता है कि हर एक कोई एग्री करेगा, डांस कर लीजिए आप, एक्शन कर लीजिए, सारी चीजें। और हाँ नो डाउट धीरे धीरे वो मेच्योरिटी भी आनी चालू हो जाएंगी जब एक होता है। बट ऋतिक रोशन को ले लीजिए आप, रणबीर कपूर को ले लीजिए आप, ये लोग मतलब इनको आता क्या नहीं है। रणवीर सिंह को ले लीजिए आप, ये लोग क्या, अभी किसी को नहीं आप बोल सकते कि इसको डांस नहीं आता और इसको एक्शन नहीं आता। ये सब लोग फुली पैकेज है ना, बट उसके पीछे उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं भी जो है आया और लग गया, ऐसा नहीं था। मैंने भी कुछ 2 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, 4 महीने वहां ऐसे ऐसे किए हैं। और आप काम करके ज्यादा सीखते हो, आप कोई भी चीज ना काम करके ज्यादा सीखते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ये भी रहा है कि मैं काम करके मतलब ज्यादा सीखा हूं यहाँ पे। तो मेरा यही है लोगों से कि अगर आपको एक्टर बनना है सबसे पहले अपने आप से पूछिए, और इसमें भी आपको समय देना पड़ता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं गया और मैंने फिल्म किया, नहीं। आप यहाँ पे आएंगे, आप जब ऑडिशन में जाएंगे, आप सोचिए कमाल की बात क्या होती है कि ऑडिशन एक कैरेक्टर के लिए 200-300 लोग ऑडिशन देते हैं। और अच्छी बात क्या होती है, जब आप उन लोगों में से शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आप में, अरे यार मैं उनमें से आया, ठीक है ना, और आप फाइनल हो गए, तो आप मतलब कि आपको लगता है कि मतलब कुछ तो है मेरे अंदर, आप में कॉन्फिडेंस जगता है। हाँ, कुछ लोग की एक कुछ लोग कुछ फील्डिंग की वजह से भी घुस जाते हैं कि मतलब कहते होते हैं या किसी ने कुछ सोर्स लगा दिया, ऐसा भी होता है कि ले लो, लेकिन वो ज्यादा दिन तक वर्क नहीं करता है। अगर क्योंकि अगर वो एक्चुअली में टैलेंटेड नहीं है तो फेल हो जाएगा। इसमें कई सुपरस्टार के लड़के भी आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फेल हुए। नहीं, मतलब जनता को पता है कि मुझे किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है। तो अगर आप में हुनर है, यो एक यूनिक चीजें हैं। अब मैं बताऊं तो मुझे बचपन से ही सब लोग बोलते थे, अरे यार जब देखो तब हीरो वाली स्टाइल मारता रहता है। जो सच्चाई है ना, मैं मारता कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं करता था। मैं ज्यादातर मैं स्पोर्ट्स में भी रहता था, मतलब क्रिकेट मुझे बहुत पसंद था, मैं लॉन्ग जंप बहुत ज्यादा, मैं चैंपियन था, मतलब एथलीट, ये बहुत सारी चीजें मैं बहुत करता था। तो लोगों को लगता था ना कि अरे बड़ा ही जब देखो तब उछल कूद करके आता है, मतलब हीरो बने गए। बट मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करता था ये सब, मेरे अंदर वो था, वो एक यूनिक चीज जैसे बोलते हैं एक मुझे लगता है कि कलाकार में ना कुछ एक यूनिक चीज होती है, एक कुछ ऐसा होता है कि जो क्लिक कर जाता है। और आप ना बहुत ज्यादा मीटर में नहीं रह सकते यहाँ पे। अगर आप मीटर में हो तब भी काम करोगे, बट मुझे नहीं लगता कि आप उस लेवल के जाके सक्सेस हो सकते हो जो लेवल जिस पे लोग आपको जानते हैं या प्यार करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने टैलेंट की अभी बात करी, ये तो बट ऑब्वियस है कि ये ऑडियंस का काम है डिसाइड करना कि किसको आगे काम मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो अभी पिछले दौरान बहुत सारी बातें हुई थी नेपोटिज्म को लेके और बहुत सारे चर्चे हुए थे, लेकिन वहीं पर एक जो एक और शब्द निकल के आया था जिसपे बहुत कम लोगों ने बात करी थी, वो था ग्रुपिज्म। तो मुझे लगता है आप इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आप ये हमारी ऑडियंस को ज्यादा बेटर बता पाएंगे। नेपोटिज्म सब सुन चुके हैं, सब जान चुके हैं क्या है, लेकिन ये जो ग्रुपिज्म है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज हम आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रुपिज्म है ये कितना, मतलब एक मुझे ऐसा लगता है ये कैंसर की तरह है। आपकी क्या इसके अंदर राय है, क्योंकि आप इन चीजों को देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर? भुक्त भोगी हूं मैं इसका टेस्ट ले चुका हूं, मैं इसका स्वाद चख चुका हूं, और ये चीज सबसे ज्यादा डेंजरस है मेरे हिसाब से। ये मेरे हिसाब से आप मान के चलिए कि ऐसा कैंसर है जो आपको डुबो देता है, लाइक अच्छे एक्टरों को डुबो देता है। कुछ लोग मतलब होता है ना कि बैकफुट पे चले जाते हैं, कुछ लोग बेचारे, कुछ लोग लड़ते हैं, लेकिन जो ग्रुपिज्म होता है वो किसी का नहीं होता है, वो किसी का भी नहीं होता है। एटलीस्ट नेपोटिज्म किसी एक का तो होता है, मतलब एक खानदान अपने मतलब अपने वारिस को आगे बढ़ाना चाहता है, वो तो एक तो है। लेकिन जो ग्रुपिज्म है वो किसी का नहीं होता है। वो आप आज आपके बारे में बोला, कल हो सकता है किसी और के साथ डिनर कर रहा हो और दूसरे के बारे में बात कर रहा हो। ठीक है, ये सबसे डेंजरस है। और आपको ये तय कर लेना है कि अगर आपको अच्छा सक्सेस होना है तो इन चीजों से दूर रहिए। और ये भी मान के चलिए ग्रुप उसी पार्टी के तरीके से है जो लोकल पार्टियां बनती हैं, टूटती हैं, ठीक है ना, और जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, बस चुनाव आने पे खड़े हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो आपको यही मान के चलना है कि आज आपके पास अगर थोड़ा मोड़ा पैसा है और तो आपके पीछे लोग कुछ लोग मंडराएंगे और आपको बहुत कुछ बोलेंगे। कुछ लोग बह जाते हैं और कुछ लोगों को लोग निकाल देते हैं। तो वो तो देखिए मैंने बोला ना कि कर्मा जो है आपको पूछता ही है, हेलो हाय करेगा। आपकी अगर एज 70 या 80 है तो आपके कर्म क्या है वो आपको जरूर हेलो हाय करेगा कि कैसे हैं आप लोग, आप कैसे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है वो। तो बहुत सारे ग्रुप टूटे हैं। नेपोटिज्म की बात मैं अगर करूंगा तो मैं भी डेफिनेटली, अगर मेरा कल लड़का होता है या कोई मेरे जो बच्चे होंगे, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो एक्टर बने। हाँ, उनका अपना कॉल होगा कि उनको क्रिकेटर बनना है कि एक्टर बनना है या कुछ और करना है, लेकिन मैं तो चाहूंगा ना, मैं तो जोर लगाऊंगा ना उसको एक्टर बनाने के लिए। मैं बोलता हूं कि आपके हाथ में डिसीजन होगा, सामने वाला जो जनता है, कि अगर वो अच्छा नहीं है, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो आप नहीं पसंद करेंगे उसको। अगर एक्टर में दम है, वो भले किसी का बड़े बाप की औलाद है, तो डेफिनेटली आपको उनको देखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। वहीं पे ग्रुपिज्म जो होता है वो जहर होता है, वो आपको पता नहीं होने देता है। वो जो लोग रहते हैं उन्हीं को पता होता है। ग्रुपिज्म कभी ना बाहर नहीं आता है, आपको अगर मैं बताना चाहूँ, वही जनता को नहीं पता है, जनता को सिर्फ ना नेपोटिज्म पता है कि वो तो फलाने हीरो का ये लड़का है, ठीक, फलाने आर्टिस्ट का वो लड़का है। लेकिन ग्रुपिज्म उनको नहीं पता है कि ग्रुप जो है जहर होता है, मतलब कि ग्रुप कई ऐसे एक्टर हैं, कई ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनको लोग फिल्मों से, सीरियल से, कई जगहों से निकाल चुके होते हैं, वो लोगों को नहीं पता होता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही खराब होता है। और कभी भी अगर एक ग्रुप आपकी तारीफ कर रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका भविष्य खराब है। सिर्फ एक ग्रुप ये मान के चलिए, ये डिसाइड कर लीजिए कि आप एक कुआं में हैं और कुआं में जो लोग रहते हैं, मेढक को लगता है कि यही पूरी दुनिया है, मतलब यही समुंदर, यही दुनिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आप कुएं से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा। तो उसी तरीके से आपका जो ग्रुप होता है वो है जो ग्रुपिज्म होता है। नेपोटिज्म सिर्फ हो हल्ला हो गया है उस चीज को लेके, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और इस फील्ड में रहें। भाई जहां पे जिसकी पकड़ होती है, अगर मैं बहुत बड़ा बिल्डर होता और मुझे अपना आगे भी लेके चलना है तो मैं चाहूंगा ना कि मेरा लड़का आके मेरा ये संभाले, ठीक है। तो वैसे ही नेपोटिज्म नाम दे दिया गया है। बट इसमें सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि जो डिसीजन लेता है वो तो जनता लेती है, ऑडियंस लेती है। आज तक किसी ऐसे हीरो का नाम बता दीजिए मुझे जो सिर्फ मतलब कि फिल्म, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो उसको लोगों ने सराहा है या फिर रखा है, नहीं पसंद किए लोगों ने। तो आपके पास तो चाबी है ना, आप मत जाओ टिकट कटाने, देखना ही नहीं अपने को। वो नुकसान होगा, एक बार होगा, दो बार, उसके बाद बाप डिसाइड कर लेगा नहीं बाबा तेरा हो गया, बस अभी तू प्रोडक्शन संभाल, ठीक है। ये तो, लेकिन जो ग्रुपिज्म होता है वो जहर होता है। जैसे मैं जिस इंडस्ट्री से आया हूँ, भोजपुरी, वहां पे तो भयंकर होता है। वहां पे बताऊं तो आपको ऐसे बात करते हैं, टेबल पे फिल्म बिक जाएगी। मतलब आपने कभी आज तक टेबल पे मुझे लगता है सामान बिकते हुए देखा होगा, फिल्म नहीं बिकती हुई देखी होगी। वो लोग ऐसे बात करते थे। और आपको मैंने बोला ना कि कई फिल्म में, जैसे मैंने कहा मैं साइन हूं, उसमें भी नाम बदल के जाके शूटिंग कर लिया गया है। तो आप, हाँ, एक जैसे मैं थोड़ा सा राउडी टाइप का लड़का हूं, मैं थोड़ा सा, मैं टिट फॉर टैट वाला हूं, लाइक जो जैसे को तैसा वाला हूं। मैं दिल से आपकी रिस्पेक्ट कर सकता हूं, मैं आपका पैर तो नहीं टच कर सकता हूं, ये तो मेरा रहा है शुरू से। और ये बहुत लोगों को बुरा भी लगा कि बहुत एटीट्यूड है। अरे भाई एटीट्यूड क्या है ये? अरे एटीट्यूड तो यही हीरो लोगों का होता है ना, कि जो दिखने में अच्छा हो, स्टाइलिश हो, सारी चीजें हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनको रिश्ता तय करना है कि लड़का संस्कारी नहीं है, इसके साथ हम शादी नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो वहां से भी मैंने सीखा, मेरे से भी गलतियां हुई होंगी, डेफिनेटली हुई होंगी, कि मैंने शायद मैं मानता हूं कि कुछ लोगों से मेरा बिहेव शायद उस टाइम के लिए मतलब उतना अच्छा नहीं रहा होगा उस दौरान। बट मेरे दिल से ऐसा नहीं था ना कि मैंने आपको, और आप लोग तो फुल प्लानिंग के साथ ये सब करते हो कि भाई वो आया था लड़का, लेकिन बड़ा आया एटीट्यूड में, आया बैठा चेयर खींच के और हाथ मिलाया उसने, पैर भी नहीं छुआ। यहाँ तो सबसे बड़ी बीमारी ये है, पैर छुओ। लाइक क्यों बाबा? मैं आरएसएस से पढ़ा हुआ हूं, हमारे जो आचार्य जी थे वो यही बोलते थे कि कभी भी किसी का फीट, अगर आपको पैर छूना है तो आपके दिल से निकलना चाहिए, ये दिमाग, अदरवाइज पाप पड़ता है। और माँ बाप हो गए, आपके गुरुजन हो गए, इनका पैर आप छूते हैं तो एक अलग बात है। और लेकिन यहाँ पे जैसे फैशन है, लाइक पैर छूना फैशन हो गया, बोलते हैं कि हमसे बड़े हैं इसलिए पैर छूना। अरे भाई बड़े मतलब, और तुम पीछे गाली दे रहे हो उसी बड़े को। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जब आप, सीखने को मिलता है। मैं बताऊं, राजनीति ना आपके फिल्म लाइन में जीरो हो जाएगी। जो बड़े बड़े नेता बैठते हैं ना स्टेज पे, मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ 1 साल आके ज्वाइन करें, वो लोग कोई भी इलेक्शन नहीं हारेंगे। अगर वो फिल्म लाइन ज्वाइन करते हैं वो लोग हारेंगे ही नहीं। यहाँ पे एक से एक तिकड़वी लोग हैं, एक से एक मतलब भयंकर आपको लॉलीपॉप देते हैं, भयंकर वाला। और एक चीज मैंने देखा है कि वो लोग सोचते नहीं है, मतलब कि सोचते नहीं है कि यार ये करने से किसी का करियर तबाह हो सकता है, किसी का मतलब होता है ना, बेचारा आया है या बेचारी आई है, बिल्कुल नहीं सोचते ऐसे लोग। और वो जिंदगी भर यही काम करते हुए रह जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं वो लोग जो ग्रुप चलाते हैं। जी बिल्कुल। तो बिग बॉस की अगर बात करें, मोना को बिग बॉस में पूरी इंडिया ने देखा और बहुत ही ज्यादा उनको प्यार करा और बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग वो बटोर पाई बिग बॉस की वजह से। तो आपको लोग बिग बॉस में कब देख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वहां पे भी मैं 2 बार जब गया था तो उन लोगों को भी लगा था कि शायद इसको वाइल्ड कार्ड में लेके आ जाते तो अच्छा था। तो मैं तो कॉमेडी बहुत करता था, मैंने बोला सिर्फ आप लोगों की बातें हैं और कुछ तो है नहीं, मेरे को बस खाली शादी का करके लॉलीपॉप दे दिया तुम लोगों ने, फिर बुलाना तो है नहीं मेरे को। लाइक वहां पे जब मेरी शादी हुई तो अगर देखा जाए तो मेरी ससुराल बिग बॉस नहीं है, ठीक है, मैं इकलौता हूँ। हाँ, मैं इकलौता हूँ। शायद एक शादी हुई थी जो टूट गई, किसी की तो हुई थी वहां पे, हाँ किसी की हुई थी शायद, हाँ सिर्फ हमारी शादी ही है जो और ये रहेगी। तो मेरी किसकी गौहर की टूटी थी आई थिंक शादी, गौहर खान, हाँ पता नहीं। लाइक वहां पे शादी सिर्फ मेरी हुई थी और मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बिग बॉस के घर का मैं दामाद हूँ वहाँ का ये मैं बोल सकता हूँ। और मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि लोग दामाद को कब बुलाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बेस्ट। वो अच्छी बात है कि मान लीजिए जो अभी का सीजन जा रहा है, सीरियसली अच्छा तो नहीं लग रहा है मेरे को, मतलब देखा मैंने वो कुछ अलग ही है मतलब। तो कभी कभी ऐसा भी फील होता, चलो अच्छी बात है कि इस सीजन में नहीं है आप, मतलब होता है ना कि भाई बिग बॉस आने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप बाहर निकले तो आपको कोई जाने भी नहीं और ये भी बोले अरे यार जब फ्लॉप सीजन था ना उसका हिस्सा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं। मतलब कि जैसे मोना जिस सीजन में थी वो 100 दिन थी उसमें और वो हिट सीजन था उस बिग बॉस 10 और फिर बिग बॉस 13 जो अपना सिद्धार्थ का था। तो ये इस टाइप के अगर बिग बॉस में आप, आपकी किस्मत भी होनी चाहिए कि आप जब जाओ तो ऐसी टीम भी रहे अंदर, अदरवाइज देखिए बिग बॉस का तो नाम रहेगा लेकिन आपका नाम नहीं रहेगा, पहली बात है। तो मैं चाहता हूं जाना, बिल्कुल मैं चाहता हूं, लेकिन मैं अभी ये बिग बॉस 14 देख के मेरे अंदर ये भी आ गया है कि भगवान मेरा सिलेक्शन तभी करवाना कि जब सारे लोग अच्छे हों और इंटरटेन कर पाए। अगर टीम नल्ली निकल गई तो मैं भी उसी में नल्ला हो जाऊंगा, मतलब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, ये एक चीज क्लियर, बल्कि आपके खिलाफ होके आपको ही वोट आउट कर देंगे लोग, ये भी हो सकता है। तो मेरे लिए पहले ये था कि मेरा सिलेक्शन हो, बट मेरे लिए अभी ऐसा भी है कि मेरा सिलेक्शन हो और टीम का भी सिलेक्शन अच्छा हो, अभी ये भी ये सब देख के हो गया है। तो डेफिनेटली जाना चाहूंगा मैं अब जब भी जाए, बट आई एम लकी कि मैं इस सीजन में नहीं हूँ। जी, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, अब तो वैसे भी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश में मैं कहूंगी वापस आ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है, फिल्म सिटी वहां पर खुलने के बाद। तो अब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए भी, कि अब उन्हें मुंबई में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा जब यहाँ पर चीजें शुरू हो जाएंगी और उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आई थिंक ट्रैवल के लिए या थोड़ी सी स्ट्रगल के मैटर में भी। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश कोई छोटा, मतलब इतना बड़ा जगह तो नहीं है उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा। जैसे अब नोएडा में मैं सुन रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री मतलब वहां पे नोएडा में ही शायद बनेगी, तो अब मेरे लिए नोएडा भी उतना ही बराबर, इतना मुंबई है मेरे लिए, नोएडा भी वही बराबर हो गया, दिल्ली के करीब है। तो मुझे भी तब भी दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी होगी, यहाँ मुंबई की फ्लाइट पकड़नी होती है। तो अब जो नोएडा के करीब होंगे मुझे लगता है कि उनके लिए ज्यादा अच्छा। एक चीज मैं बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये सबके लिए है, हरियाणा से लेके पंजाब से लेके, और ऐसे आर्टिस्ट ज्यादा मिलेंगे आपको वहां पे क्योंकि वो लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं, वो लोग ज्यादा करीब है उधर से, ठीक है ना। गाजियाबाद हो गया, ये वो थोड़ा सा करीब पड़ेगा। आप अगर मेरे शहर की बात करेंगे, आजमगढ़, आजमगढ़ के लिए मुंबई भी वैसे और नोएडा भी वैसे उसी तरीके से है। हाँ, ये जरूर आप जो बोल रही है कि लोगों के लिए ईजी रहेगा, बट मैं अगेन एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अगर खुल भी रही है तो आप ऐसा मत समझिए कि आप गए और आपको काम मिल गया। मतलब आप यहाँ पे भी आके तभी सक्सेस हो सकते हैं या नोएडा में भी तभी जाके सक्सेस हो सकते हैं जब एक्चुअली में आप में वो हुनर हो, आप में वो दम हो। मैंने बोला ना कि मैं तो किसी चीज का इंतजार नहीं करता। जैसे मैं अगर गाँव में इस वक्त होता तो मैं तो ये नहीं सोचता ना कि फिल्म इंडस्ट्री बनेगी फिर मैं जाऊंगा, नहीं। ये अगर चेन्नई में भी होती या कहीं पे भी होती तब भी मैं वहीं जाता, क्योंकि मुझे एक्टर बनना है। ठीक है, तो एक एक्टर के लिए मेरे हिसाब से जर्नी मायने नहीं रखती है कि, और करीबी क्या, हर चीज करीब है। आप अगर यहाँ पे आके सक्सेस हो जाते हो, आप यहाँ पे भी घर ले लेते हो, आपका गांव में भी घर है, आप ट्रेवल कर रहे हो, गांव वालों को यहाँ बुलाओ, फिर आप यहाँ से वहां जाओ, ये चीजें हैं। ये तो और मुझे नहीं लगता है, बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूं, अब पता नहीं कैसी टीम होगी उस चीज को चलाने के लिए, क्योंकि देखिए आपको समझना होगा ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये बरसों से यहाँ पे स्थापित है फिल्म इंडस्ट्री आपके मुंबई में, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से जैसे फिल्म सिटी है, जैसे फिल्मिस्तान है, अलग अलग लोकेशन पे लोग जाके शूटिंग करते हैं, वैसे ही नोएडा भी होगा कि नोएडा में कुछ एक अच्छा लोकेशन लोगों को दिखेगा तो यहाँ से लोग वहां पे भी जाएंगे शूटिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को नोएडा में ही शूटिंग करके नोएडा में ही स्टूडियो में डब करना है तो वहां पे कर लेंगे, इस तरीके से होगा। लेकिन आर्टिस्ट का ऐसा नहीं होगा, आर्टिस्ट नोएडा में भी रह सकता है, आर्टिस्ट मुंबई में भी रह सकता है, उसको कहाँ पे अच्छा लग रहा है वो तय करे, ठीक है ना। बट ज्यादातर चीज आप ही मेरे को बता दो कि जो चीज इतने सालों से चली आ रही यहाँ पे मुंबई में, वो कैसे, मेरे को तो नहीं लगता है। मेरे लिए वो स्टूडियो डेफिनेटली मैं वहां पे जाके काम करना चाहूंगा और मैं जाऊंगा भी शूटिंग वूटिंग के लिए, लेकिन मुझे लगता है ना कि जो टीम होती है, टीम मिलना इतना आसान नहीं होता है। या फिर यहां से टीम ले जाएंगे वहां पे, मतलब यहाँ पे तो खाली होने वाला नहीं है। और नए लोग जो होंगे ना, स्टार्ट में या तो बहुत खराब हो जाएगा, ये भी मैं बता दूं, या तो स्मूथली कुछ लक अच्छा रहेगा तो धीरे धीरे अच्छा होगा, नहीं तो जिसको देखो वही झोला उठाएगा और नोएडा पहुंचने की सोचेगा, अब तो मैं एक्टर बन रहा हूँ भैया, अब तो मैं सिंगर बन रहा हूँ भैया। उनके लिए ये क्या है कि मेरे बगल में स्टूडियो खुल गई इसलिए मैं एक्टर बन जाऊंगा, नहीं, ये भी होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये भी होने वाला है कि भैया चलो अब यही काम करेंगे हम लोग। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज की तैयारी करनी है। अगर मेरे बगल में स्टेडियम खुल गया लखनऊ में तो ऐसा थोड़ी कि मैं क्रिकेट खेलना चालू कर दूंगा, क्रिकेटर बन गया, नहीं ना। वैसे स्टेडियम देखिए हर जगह पे है, मुंबई में है, अभी आपके लखनऊ में है, कानपुर में भी है स्टेडियम, आपके कोलकाता में है। तो जस्ट लाइक मुझे लगता है सेम ऐसे ये भी इंडस्ट्री भी ऐसे है। भाई क्रिकेटर तो वही है ना, विराट कोहली ही कैप्टन है, धोनी ही थे, वो कभी लखनऊ जाके खेले, कभी मुंबई आके खेले, ऐसे किए ना। एक्टर जाएगा और आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतना भी नहीं है कि कोई बोले कि बहुत सारे एक्टर यहाँ पे आए और उनको काम नहीं मिला, एक गलत बात है, ये झूठी बात है। मैं बता दूं, जितने सक्सेस अपने नॉर्थ इंडिया के लोग हुए हैं ना यहाँ पे, या पंजाब से लोग हुए हैं, बंगाल से हुए हैं, आप लाइन से गिना सकते हो सारे सक्सेस लोग, मतलब आपके उधरी से आते हैं। और ये बात बोलना कि नहीं मौका मिलता, ये झूठी बात है। आपको बताऊं तो बिग बॉस में भी ऐसे मौका मिलता है हर जगह पे। तो ये हवा क्रिएट किया गया, एक राजनीतिक एंगल पैदा कर दिया गया है, ठीक है। और एक अगर तू भैया डफर है तो मैंने तो बोल दिया, अगर तेरे को एक्टिंग नहीं आती है तू उसी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर घर लेके भी एक्टर नहीं बन सकता है ये। तो मेरे लिए ना, शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि ये मैटर नहीं करता है कि इंडस्ट्री कहाँ है और बहुत सारा रोजगार क्या खुलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बेचारे हमारे बहुत टेक्नीशियन होते हैं, स्पॉट वाले होते हैं, बेचारे लड़के होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं हमारे पीछे, मैं आपको बता दूं सबसे, अगर एक्चुअली में एक्टर लोग या प्रोड्यूसर लोग किसी के कर्जदार होते हैं तो वो होते हैं हमारे जो स्पॉट वाले होते हैं, जो लाइट मैन होते हैं, जो लाइट ढो के ले जाके लाइट लगाते हैं रात रात भर। हमारा पैकअप होने के बाद भी वो बेचारे लोग लाइट बसों में, ट्रकों में चढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर वो रात को आते हैं, मतलब उस 3 घंटे के बाद उन लोग फिर आते हैं, फिर सुबह हमारे से पहले वो पहुंचते हैं बेचारे, ठीक है ना। वो लोग डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं, स्पॉट बॉय बेचारे होते हैं जो आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं पानी होने के लिए। तो कहीं ना कहीं चीजें अगर बढ़ती हैं तो उनके लिए और रोजगार होगा, ये मेरा है, मतलब ये मेरा मानना। और ये अच्छी बात है कि नई नई स्टूडियो अगर खुलेगी तो इन लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो वहां के जो करीब लोग होंगे बेचारे जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे होंगे तो वो लोग वहां पे जाके अपना काम करेंगे और अपने घर पे भी चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में रहना थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे ज्यादा, मतलब देखिए अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा मतलब कॉस्टली वाला मैटर आ जाता है कि ज्यादा महंगी महंगी सिटी में आता है अपना मुंबई। तो जो चीज यहाँ पे मान के चलिए कि 10,000 में होती है वो वहां पे हो सकता है 4,000 में हो, 3,000 में, आपका रेंट उन्ट जो भी सारी चीजें हैं खर्चा वर्चा, तो ये चीज का फायदा होगा। लेकिन उनके लिए जो लाइटमैन है, टेक्नीशियन है, ऐसे लोगों के लिए, एक्टर के लिए तो वही रहेगा बाबा कि आप में वो हुनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में स्टूडियो बना मतलब आप सिंगर बन गए, ऐसा नहीं हो सकता है, आप एक्टर बन गए। तो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैंने बोला ना कि जैसे मुंबई जो है, कहते हैं कि मुंबई आपको देती बहुत कुछ है, मुंबई जो मुंबा देवी है, मैं बहुत मानता हूँ कि वो जिसको चाह लेंगी वो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो बन जाता है और बहुत कुछ बन जाता है, मतलब इतना कुछ बन जाता है कि देश दुनिया भी उसको जानती है और आप अपने परिवार को वो चीज देने लगते हो जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो ये बोलना कि यहाँ पे भगा दिया जाता है, नहीं बाबा, लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। मैंने खुद देखा है, लाइन लगा के मैं देखता हूँ कि ऑडिशन देने के लिए कोई जाता है ना, तो इतना ही पूछा जाता है कि क्या नाम आपका? विक्रांत सिंह, ओके। आपका नाम क्या है? चलो अयूब खान, ओके। मैंने खुद देखा है कि कितने ऐसे नाम होते हैं, आप यादव हैं या पांडे हैं, कुछ उन लोगों को मतलब ही नहीं किसी चीज से, या आप मराठी हो, नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि ये एक्टर है या नहीं है। अगर वो एक्टर है तो आपको सर हम मौका देना चाहते हैं। आप देखिए ना, लाइन से कितने सिंगर यहाँ पे आते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से, आपके मध्य प्रदेश से, आपके पंजाब से, आपके बंगाल से, सारे लोग तो यहीं पे आते हैं, आपके मुंबई में ही आते हैं ना। वो बेचारे गाते हैं और हमारे जज बैठ के उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, उनके गांव का भी वीडियो दिखाते रहते हैं। आजकल आप देखिए मतलब जो भी सिंगर या डांसर का, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि काम नहीं देते हैं? नहीं, काम देते हैं। आपको क्या लगता है कि हर चीज थाली में सजा के मिल जाए? तो वो नहीं हो सकता है, वो मुश्किल है। मैंने बोला ना कि मैं अभी भी ऑडिशन देता हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी भी ऑडिशन दिया है, मैं ऑडिशन दिया हूँ, और ऑडिशन के बाद मेरा सिलेक्शन, अगर मैं कुछ दिखूं आगे चल के टीवी में या कहीं पे भी, तो ये आप जरूर समझ लीजिएगा कि ऑडिशन देके आया लड़का, ठीक है। ये तो मतलब जीत गया बंदा, फिर इसको काम मिला है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा, कुछ लोग गए और आते हैं तो उनको काम नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं वो अच्छे नहीं होते, मुझे लगता है अच्छे नहीं होते हैं। और अगर आप अच्छे हो और आपके साथ वही राजनीति हो रही है जो थोड़े टाइम के लिए होती है, जो ग्रुपिज्म की बात कर रहा हूँ, तो आपने गलत ग्रुप चुन लिया है, मतलब ये हो सकता है। अगर आप टैलेंटेड हो तो सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ तो ओपनली ऑडिशन होता है ना, यहाँ पे तो आप गूगल पे करो ना कि ऑडिशन कहाँ चल रहा है, सब पे आ जाता है। तो एक एक्टर के लिए मैटर नहीं करता है, वो अगर अच्छा एक्टर है तो वो नोएडा में भी जाके अपना करेगा शूटिंग, और मुंबई में भी करेगा, चेन्नई में भी करेगा। आपको बताऊं, हमारे इंडस्ट्री से हैं रवि किशन सर, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सारी लैंग्वेज में काम किया है जी। और मालूम है लास्ट में फिर वो जाके साउथ में एक फेमस विलन बन गए वो, और उनको लोग बहुत सम्मान करते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि वो एक्टर अच्छे हैं। सब मिला के क्या निकला? एक्टर। उनको मतलब ही नहीं कहां से आया बंदा। आपके कितने एक्टर हैं यहां से जो साउथ में जाके काम करते हैं। अभी मैं नाम लूंगा सोनू सूद साहब का। सोनू सूद साहब आपकी हिंदी इंडस्ट्री में कम और साउथ इंडस्ट्री में सबसे अधिक काम किए हैं, ठीक है, और उनको लोग बहुत सम्मान करते हैं। अभी मैंने कुछ पढ़ा है, ट्वीट या कुछ ट्वीट नहीं, लाइक कुछ देखा था कि चिरंजीवी साहब के साथ, नहीं चिरंजीवी नहीं, हाँ चिरंजीवी साहब के साथ तो शायद कोई फिल्म कर रहे थे, तो उनको एक्शन में उनको मारना था सोनू सूद जी को, तो उन्होंने मना कर दिया चिरंजीवी जी ने, कि बोला नहीं बाबा इसको नहीं मारूंगा क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी हो गई है, लाइक इसको लोग अभी बहुत मानने लगे हैं। तो मतलब एक और बहुत उनको लोग मानते हैं वहां। तो एक्टर हो तो एक्टर, और ये पूरा भारत आपका है यार, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मेरा इतना इलाका है? वही हो गया, गांव में रहो तो ये मेरा खेत, बाहर निकलो तो फिर मेरा जिला, उसके बाहर निकलो तो मेरा प्रांत, उसके बाहर, हाँ, जब आप आउट ऑफ इंडिया चले जाते हो तो बोलते हो मेरा भारत, तब बोलते हो कि इंडिया, मतलब इंडिया इज द बेस्ट, मतलब आप गांव में रहते हो तो फिर बोलते हो मेरा गांव सबसे अच्छा है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो पूरा भारत आपका ही है, आप कहीं पे भी काम करो। ये लोगों को ना जागरूक होने की बड़ी जरूरत है। ये मैंने भी यहाँ पे घर लिया हुआ है, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आप उत्तर प्रदेश से हो, नहीं नहीं आपको घर नहीं मिल सकता, ऐसा तो नहीं है, कुछ नहीं वो तो बल्कि मैसेज डालते हैं सर और 4 खरीद लो। अभी आपको बताऊं हमारे यहाँ आधा से ज्यादा तो अपने लोग मिलते हैं। ये आप जितने भी बेचारे सब्जी देने वाले होते हैं, जितने वॉचमैन होते हैं, मतलब बड़े से बड़े बिल्डर होते हैं, वो सब कहाँ से लोग आए हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है कि कुछ लोगों ने चला दिया है, मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ। सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं अलग राज्यों की बात करूंगा। वहां के लोग भी आते हैं यहाँ पे और सक्सेस होते हैं, और जो फेल हो जाते हैं ना वो लोग लगते हैं बोलने, वो लोग थोड़ा सा नाटक कर लेते हैं। जैसे अगर इतनी सारी बातें हैं तो आपका तो भैया, आप जब फ्लाइट में चढ़ना चाहोगे तो पहले से यहाँ की गवर्नमेंट मना कर देगी, नहीं उत्तर प्रदेश की फ्लाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए लोगों को कैसे बनाया जा रहा है। भैया उनको अगर रोक लगाना होगा तो बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेन बंद कर दो, कोई ट्रेन ना इधर से उधर जाएगी ना यहाँ से वहां जाएगी, मतलब सब कुछ हो सकता है ना, लेकिन नहीं, सब चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ मुद्दा ही कुछ अलग है। योगी साहब ने तो रोजगार के लिए सब किया है, रोजगार देने के लिए कि बढ़े रोजगार। जो लोग, मैं बता रहा हूँ, ये जो बेचारे वर्कर लोग हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वर्कर के लिए, आर्टिस्टों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम आर्टिस्ट के लिए नहीं है, बट पहले वो आर्टिस्ट हो, वो आर्टिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरा ये भी मानना है कि कुछ लोग शायद अपने करीबियों को देखे हैं कि जो शायद डिजर्व नहीं करते, उनको मौका मिल जाता है और थोड़ा मोड़ा सक्सेस भी हो जाते हैं, तो शायद उनको भी देख के कुछ लोगों का मन आ जाता है कि मैं भी ऐसे बनूंगा। बट भाई हो सकता है उसके भाग्य में हो कुछ समय के लिए, लेकिन अगर वो लॉन्ग लाइफ में वो लंबा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि एक्टर मैटर करता है, मेरे हिसाब से एक्टर मैटर करता है। आपको 3-4-5 फिल्में मिल जाएंगी, लेकिन लास्ट में तो मैटर करेगा एक्टिंग ही। लोग, पब्लिक देखती ही नहीं है, मतलब एकदम नहीं देखती पब्लिक। तो मिला के एक एक्टर के लिए, मैं एक्टर हूं इसलिए मैं एक्टर की बात करूंगा, सबसे पहले आप एक्टर बनो, उसके बाद कुछ सोचो, उसके बाद डिसाइड करो कि नोएडा मुंबई कहाँ कहाँ नहीं। डेफिनेटली अगर नोएडा में मौका मिलता है, नोएडा में ऑडिशन है, वहां पे जाओ, वहां पे दो। लेकिन आप ये सोचिए कि जब नोएडा का बनेगा तब मैं एक्टर बनूंगा, ऐसा नहीं है। आप निकल जाओ। जी बिल्कुल। तो अगर आपके पूरे कैरियर की हम बात करें तो ऐसी कोई एक गलती जो आपने की हो और आप यूथ को एडवाइस करना चाहते हो कि भैया अगर आप एक्टिंग की फील्ड में आ रहे हैं तो ये गलती मत करिएगा जो मैंने की थी। एक तो आपने बहुत कम पूछते, बहुत सारी गलतियां किया मैंने। एक तो बहुत कम है, ठीक है। पहले तो एक्चुअली मैंने बोला ना कि जो चीज जो मैंने सीखा नहीं था, मतलब जो एक लर्निंग प्रोसेस होता है, वो शायद मैं फील्ड ज्वाइन करने के बाद सीखना चालू किया। जैसे मुझे फिल्म मिली तो एक फिल्म से दूसरी फिल्म में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, मैं चीजें सीख के, दूसरे से तीसरे में थोड़ा सा और अच्छा हुआ, ठीक है। बट ये गलत था। होना कहाँ पे चाहिए, आप जब पहली ही फिल्म कर रहे हो ना तो आप सब में अच्छे रहो, मतलब उसके पहले आपको क्लास, सारी चीजें, ट्रेनिंग लेनी चाहिए एक एक्टर के लिए। क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पे नहीं आऊंगा, क्योंकि आप जब एक्टिंग में आप जाते हैं, जैसे थिएटर करते हैं, तो वहां पे यही सब सिखाया जाता है आपको। बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपका डिक्शन हो गया, आपको वॉइस थ्रो कैसे करना है, ठीक है ना, आपको कैमरा फेसिंग कैसे करना है, मतलब वहां पे फुली पैकेज तरीके से आपको बताया जाता है। तो वो मैंने एक्चुअली में फिल्म करने के दौरान सीखा था। हाँ, मैं फास्ट हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर है, तुम यूनिक हो, मतलब, बट ये भी बोल दूं सारे लोग यूनिक नहीं होते हैं। मेरे अंदर कुछ एक मेरा कुछ अपना खुद का एक है स्टाइल बात करने का, नेचुरल, जो बहुत को बहुत तो अच्छा लगता है कि मतलब यार ऐसे ही करो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो वो मेरा शायद कहीं ना कहीं भगवान का दिया हुआ होगा कि कुछ यूनिक चीज है मेरे अंदर कि वो ज्यादा लोगों को अच्छी लग जाती है। पर्सनालिटी बिल्कुल, कभी कभी आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है लेकिन कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे लुक देना है, ये सब आपको पता नहीं होता है। तो वो भी मैंने सीखा कि कितने देर तक के लिए होल्ड करना है, कितने देर के लिए नहीं करना है, ये सब बहुत चीजें होती हैं, छोटी छोटी बारीकियां होती हैं। तो ये तो मैंने गलती की है। अब जाके मैं धीरे धीरे कि यार अब मिलेगा तो ऐसे करूंगा, ठीक है ना। तो वो चीज अभी मजा आने लगा। कई लोग तो बोलते हैं मुझे, अरे यार आपने बहुत अच्छा किया भाई, ठीक है, जो कि बंदे पहले तारीफ भी नहीं, कभी बुराई भी नहीं की थी मेरी, लेकिन मेरी फिल्म उन्होंने देखी थी लेकिन तारीफ भी नहीं किए थे। लेकिन अभी लोग बहुत तारीफ करते हैं कि अरे यार आपने जो वो किया था ना बड़ा अच्छा लगा था, ऐसे होना चाहिए था। तो समझ में आने लगा कि नहीं भैया, जब आप सच में अच्छा कर रहे हो तो सामने वाला बोल दिया कि आप अच्छे हो। तो मेरे हिसाब से गलती सबसे पहले एक एक्टर यही पे करता है कि अपने आप को बहुत कुछ समझ लेता है कि मैं तो अच्छा दिखता हूँ चश्मा डाल के, ठीक है, ये मेरी फोटो अच्छी आई है। नहीं बाबा, फोटो सबकी अच्छी आती है, आजकल ब्यूटी प्लस में सबका अच्छा दिखने लगा है। तो वो तो कैमरा बहुत कुछ होता है, मेकअप होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है आपको सीखना है। और वो वहां पे चूक गए ना तो आप 1000 गलतियां करोगे। आपने बोला ना कि कोई एक गलती, मतलब एक गलती नहीं, 1000 गलती करोगे आप। और ऑनेस्ट रहो, अरे बिंदास रहो, मतलब होता है ना कि हाँ, रिस्पेक्ट भी करिए। खास करके मुझे लगता है कि ज्यादातर रिस्पेक्ट अगर आपको करनी है तो उन फीमेल एक्ट्रेस की क्या करो जो आपके अपोजिट होते हैं, जो वो लोग होते हैं ना। क्योंकि मैं बता दूं, जो मैंने देखा है हीरोइंस में, जो फीमेल में, उन लोगों में बहुत डेप्थ होता है, एक्टिंग का बहुत ज्यादा होता है। वो शिद्दत के साथ लोग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, हर चीज, डांस भी देख लो बहुत कमाल का करते हैं, एक्टिंग, मतलब सारी चीजें करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीके से सोच के आते हैं, उनको पता नहीं होता है कुछ, मतलब अगर देखेंगे तो मैं बोलूंगा तो वाट लग जाती है कि वो लोग कितने ब्रिलियंट होते हैं। हमारी जो एक्ट्रेस होती हैं, जो परफॉर्मर होती हैं, वो लोग कितने ब्रिलियंट होते हैं, उनके अंदर कितना टैलेंट होता है, वो लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो आपको इन चीजों को सम्मान करने की जरूरत होती है। आप जब यहाँ पे आइए, कुछ और माइंड में लेके मत आइए यहाँ पे, ठीक है। बट मुझे लगता है कि अगर वो ज्वाइन करते हैं थिएटर और क्लासेस वगैरह, तो ज्यादातर चीजें वो सीख जाएंगे। और वो वहां पे चूकेंगे तो फिर 1000 गलती करेंगे, ये मैं तो जानता हूँ इन चीजों को। जी बिल्कुल। तो विक्रांत जी, आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं, लोग आपके बारे में बहुत बड़े फैन हैं आपके, लेकिन एक चीज है कि आप क्वालिटी में बहुत बिलीव करते हैं क्वांटिटी के कंपैरिजन में। तो आज अगर बात करी जाए कि जिंदगी में पहली बार आपने एक वीडियो जॉकी को इंटरव्यू दिया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, हम लोगों ने सारी बातें इधर उधर की, एक दूसरे के बारे में बात नहीं की। पहली बात, आप बहुत अच्छे हो, स्वीट हो, और आप कमाल की बात क्या होती है ना कि देखिए, मैं इतनी सारी बातें भी तभी कर पाया जब आपने मुझसे पूछा, क्योंकि आप में वो सारी चीजें होंगी तभी मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है अलता पलता क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। उनका वो लोग रट्टा मार के आते हैं कि मेरे को ऐसे ही करना है, ठीक है। और मैं समझ जाता हूँ कि भैया तेरी औकात यही है, मैं समझ गया, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, माइक पकड़ लेते हैं और क्या क्या पूछते हैं, आप समझ सकते हो। मैं देखिए, अगर मैं अपने एक्टिंग फील्ड के बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक से एक डफर और एक से एक टैलेंटेड लोग होते हैं, तो वैसे ही हर एक फील्ड में पाए जाते हैं। और मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर भागता हूँ, मतलब क्योंकि मुझे हंसी भी आ जाती है कि ये बंदा तैयारी करके आया है या ये बंदी तैयारी करके आई। बट आपके साथ गो विद द फ्लो वाली जो बात है, लाइक आपने भी पूछा और मैंने आपको कुछ ज्यादा ही लंबा लेक्चर झाड़ दिया, मतलब बोल दिया मैंने। वो बातें हैं, मैं तो बोलता रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं। मेरे को अगर माइक दे दिया जाए तो मैं स्टेज पे तो बोलता रहूंगा। और एक एक्टर की सबसे बड़ी खूबी भी यही होती है कि वो उसके वर्ड्स कभी खत्म नहीं होने चाहिए। ये मैंने कहीं पढ़ा भी है और बहुत लोगों के मुंह से भी मैं सुनता हूँ कि सबसे बड़ी खूबी ये होती है। बट खूबी ये भी है कि सामने वाले ने क्वेश्चन क्या किया। क्वेश्चन में सबसे बड़ा सब कुछ छिपा होता है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि हमारी जो जो भी लोग देखेंगे उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच विक्रांत जी हमारे शो KYC योर सेलिब्रिटी पर आने के लिए. और दोस्तों हम लोग आपसे मिलेंगे अगले फ्राइडे एक नए सेलिब्रिटी के साथ जिनके बारे में आप जान सकते हैं. और आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपको मिल सकते हैं इस शो के अंदर बहुत सारे टिप्स अपने सपनों को साकार करने के लिए. थैंक यू सो मच विक्रांत जी. थैंक यू.